कि इस बेगैरत बढ़ते जमाने में कोई इश्क बदनाम है, इस बेगैरत बढ़ते जमाने में कोई इश्क बदनाम है, बाकी हर गली में मीरा सियास्ता तो कहीं सीता का राम है। तो एक मेरा एक ब्रेकअप का किस्सा मैंने हास्य में लिखा है, सुनिएगा। ये कविता हास्य में लिखा हुआ है कि उसके इश्क में मैं बावरा हो गया, कि उसके इश्क में मैं बावरा हो गया और उसके जाने के बाद देखो कितना सावरा हो गया। वो मेरी आंखें गीला और जीन शर्ट गीला करके चली गई। अभी इतना पतला हो गया कि मेरे और मेरे भतीजे का तो कोई फर्क नहीं है, अभी एकदम से मेरे जैसा दिखता है। तो उसके इश्क में मैं बावरा हो गया और उसके जाने के बाद देखो कितना सावरा हो गया। प्यार में इंसान ना हद चुतिया पकड़ता है, बहुत चुतिया पकड़ता है, सॉरी बच्चा है। तो उस चुतियापे में सारे चुतियों का बाप था, तो उस मेरा चुतियापा की सतर्कता सुनिएगा कि उस सोचा था उसके हाथ और मेरे हाथ एक साथ पीले होंगे, सोचा था उसके हाथ और मेरे हाथ एक साथ पीले होंगे, कम वक्त मुझे क्या पता था उसके इसके चक्कर में मेरे जेब ढीले होंगे। तो ऐसे मेरी दाढ़ी अभी तो मैं कटवा के, मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। मम्मी पूछ रही थी कि दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहा। मम्मी को कौन समझाए कि उसके जाने के बाद इच्छाएं मेरी सारी मर गई, कम वक्त देखो मेरी दाढ़ी बढ़ गई। उसकी झूठी कस्मों में हम यूं खोए थे, उसकी झूठी कस्मों में हम यूं खोए थे कि एक कार में बैठ के हम तीन दोस्त रोए थे। पता है क्यों? क्योंकि उसने मेरा ही नहीं मेरे दोस्तों का भी ट्रस्ट तोड़ा था, क्योंकि उसने मेरा ही नहीं मेरे दोस्तों का भी ट्रस्ट तोड़ा था जब उसने अपना नाता किसी और के साथ जोड़ा था। तो जहां प्यार की बात हो वहां सिगरेट की बात ना, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस पे शेर अगर इजाजत हो तो, कि कभी कभी लगता है, कभी कभी सोचता हूं कि अगर दर्द नाम की कोई चीज ना होती तो आंसुओं का क्या होता, अगर दर्द नाम की कोई चीज ना होती तो आंसुओं का क्या होता, अगर इसका कोई वजूद ना होता तो सिगरेट का क्या होता। कि उसकी गली के एक एक परिंदे मुझे पहचानते हैं, उसकी गली के एक एक परिंदे मुझे पहचानते हैं और उसकी यादों का असर बस मेरे फेफड़े जानते हैं। तो लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस रहती है अपने लव्ड वन से, पार्टनर चाहिए। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? कैसे चाहिए मैडम आपको? हाँ अच्छा 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 नहीं तो सबको रहता है, जैसे मुझे था पहले कि क्या बोलते कि मुझे सुंदर चाहिए, फिर मैं आईना देख लिया तो है नहीं वैसा कुछ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जमाने की बातें मैं संभालूंगा, गौर कीजिएगा, कि जमाने की बातें मैं संभालूंगा, तुम बस अपनी हया का ख्याल रखना, तुम्हारी खामोशियों को मैं सुन लूंगा, तुम बस मेरी माँ का ख्याल रखना। तुम्हारा मोह ऐसा ना चढ़े मुझ पे, तुम्हारा मोह ऐसा ना चढ़े मुझ पे कि मैं उसी में मशगूल हो जाऊं, अपना दुपट्टा ऐसा ना चढ़ाना मुझ पे कि मैं माँ का आंचल तक भूल जाऊं। जब दिल टूटता है ना, जब तुम छोड़े गए होते हो तो अलग अलग तरह के ठाउस आते दिमाग में, ऐसा लगता है कि वो मुझे अगर ऐसे रोते हुए देख लेती ना तो पक्का आ जाती, नहीं लौट के आ जाएगी। अगर मुझे ऐसे वो बेड पे बिलखते देख ले, तड़पते देख ले तो नहीं जाएगी। अभी फोन पे बोल रही है कि आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, लेकिन अगर देख ले कोई बता दे कि मैं सपने परेशान हूँ तो शायद वो लौट आएगी, गले से लगा लेगी। तो मैं भी ऐसा सोचता था पर कोई आता नहीं है। तो मैंने लिखा था कि न जाने कितने दुखों का शमशान हूँ मैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि न जाने कितने दुखों का शमशान हूँ मैं, कोई बता उसे कि बहुत परेशान हूँ मैं, इन वीरानियों के साथ मुझसे रहा नहीं जाता, कोई बता उसे ये तबाही मुझसे अब सहा नहीं जाता। एक दफाए मुझे सीने से लगाए, हल्के आंसू गिरा के मुझे अपनी गोद में सुलाए, छोड़ दूंगा उसे इस दुनिया की शोर में मैं, बड़े सुकून से तोड़ दूंगा दम उसकी गोद में मैं। एक दफा सवारे आके मेरे बालों को वो, आंखें मूंद कर चूमे मेरे गालों को वो, अपने सारे दर्दों को मैं यूं भुला दूंगा, उसकी गोदी में दम तोड़ के मैं उसे भी रुला दूंगा। अपने बिखरे सितारों का कोई आसमान हूँ मैं, अपने बिखरे सितारों का कोई आसमान हूँ मैं, कोई बता उसे कि बहुत परेशान हूँ मैं। तो वो इंसान तुम्हारी परेशानी कभी नहीं समझेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं समझेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, असल में उनसे ज्यादा कोई शांत होता नहीं है, और जो लोग बहुत ज्यादा शांत होते हैं असल में उनसे ज्यादा कोई चीखता नहीं है। तो एक कविता है उनके लिए जो किसी से बिछड़ के डर रहे हैं, रो रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्यों डरते हो कि आगे क्या होगा, क्यों डरते हो कि आगे क्या होगा, थोड़ा सा हिम्मत बांधो बाकी पूरा समा तुम्हारा होगा। टूट चुके हो ना, हर कोई के यहाँ टूटना है, ये जिंदगी है सबका साथ यहाँ छूटना है, अपनी जिंदगी के तुम खुद यहाँ भगवान हो, विलाप में बिगाड़ो हाल अपना भी तो तुम जवान हो। दो पल की है बस ये परेशानियां, आगे खूबसूरत है तुम्हारी कहानियां,
धनुष से निकली तेजवान हो तुम, न बिखरो ऐसे हाल में अभी तो जवान हो तुम। विरहा का वियोग सर से पार जा रहा है ना, विरहा का वियोग सर से पार जा रहा है ना, सबको यहाँ अकेले जाना है, मुझ पे भी ये गुजरी हकीकत इसे मैंने भी माना है। अपने भविष्य का वर्तमान हो तुम, न बिलखो ऐसे आंखों से अभी तो जवान हो तुम। लिख दो इन आंसुओं से कोई इतिहास तुम, जिससे बड़ा कीर्तिमान हो, न बिखरो ऐसे हाल में अभी तो तुम जवान हो। वैसे जब इंसान रिलेशनशिप में रहता है तो बहुत रातें जागता है, रातों तक बातें करता है, चैटें करता है, फोन से करता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही मैं जागता हूँ, तो उसे मैं बोलना चाहूँगा कि वैसे रातों में जागता मैं अभी भी हूँ, तुम नहीं हो, तुम्हारी यादें हैं और थोड़ी सी किताबें हैं। तो मेरा कुछ, मेरा और मेरे कमरे और मेरी रातों का हाल कुछ यूँ है कि एक खाली कमरा कुछ किताबें और उसकी यादों का पहरा है, एक खाली कमरा कुछ किताबें और उसकी यादों का पहरा है। माँ बाप की उम्मीदें चेहरे पे मुस्कान, पर भीतर दबा वो जख्म गहरा है। चार दीवारी और छत पे पंखा, चार दीवारी और छत पे पंखा, पर भटकूंगा नहीं, कोने में परी रस्सी भी है पर मैं लटकूंगा नहीं। ना मैं बुजदिल था ना मैं कभी हारा था, ना मैं बुजदिल था ना मैं कभी हारा था, कोई जमाने में मैं भी एक चमकता तारा था। तल जाएंगे ये दिन और सब मुट्ठी में होगा, दिमाग कह रहा है पर भीतर दबा वो जख्म गहरा है। चार मंजिला इमारत खुली बालकनी और कमरे में अंधेरा, चार मंजिला इमारत खुली बालकनी और कमरे में अंधेरा, पर मैं आंखें मूंदूंगा नहीं, डर चाहे जितना भी लगे मैं खोदूंगा नहीं। जब मैं भी किसी के साथ था तो हम लोग में ज्यादा मिलते नहीं थे, मिलने का वक्त नहीं मिलता था, लॉन्ग डिस्टेंस था तो मिलने का वक्त नहीं मिलता था, तो मुझे काफी सारी शिकायतें रहती थी कि मैं मिल नहीं पाया। तो एक शाम हम लोग मिले, वो पार्क था सेवन वंडर्स पार्क कोटा, ये बोलना नहीं चाहिए तो घर वाले देख रहे कोटा में क्या कर रहा था। तो कोटा था ऐसे, तो जब हम लोग मिले तो वहाँ पे एक कोई शाम थी, मतलब रात होने वाली थी, एक चांद उसके सर के ऊपर था और एक चांद मेरे सामने था। तो इसमें था कि न उसने कुछ, मुझे शिकायतें रहती थी कि मैं, हम लोग मिल नहीं रहे, न उसने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा, न उसने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा, मैं केवल उसे निहारता रहा, वो दीदार मुझे पागल करती रही और मैं सारी शिकायतें मिटाता रहा। वो रात बड़ी अजीब थी, वो रात बड़ी अजीब थी, न जाने कैसा चमत्कार हुआ, वो मेरे सामने बैठी और मुझे दो चांदों का दीदार हुआ। उसकी जिंदगी से मैं जा सकता हूँ, वो मेरी जिंदगी से कहाँ जाने वाली है, नजरें उसकी राहों पर बिछाए बैठा हूँ पर वो अब कहाँ आने वाली है। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम मेरा परमानेंट घर हो गया बस एक मिनट है, परमानेंट घर, अगर मैं झगड़ा भी हुआ ना तो तुम, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास ही, दो साल हो गए अभी घर वैसा ही है, घर जल रहा है लेकिन वो आई नहीं, लौटी नहीं है। तो उस पे था कि हमारी एक गलती में वो कस्में निभाने से पीछे मुड़ गई, हमारी एक गलती में वो कस्में निभाने से पीछे मुड़ गई, हमारा घर जल के राख हो रहा था वो मेरा घर छोड़ गई। एक आखिरी शेर है ये, मैं जब हम लोग ब्रेकअप होता है किसी का होता है तो सोचा बातें हमेशा अधूरी छूट जाती है, कितनी भी मुलाकातें कर लो सोचो कि ये लास्ट मुलाकात है, बात क्लियर कर लेंगे, लेकिन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, हमेशा बातें अधूरी ही छूटेंगी। तो उस वक्त तो मैं उसे कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन उसे अब मैं कहना चाहूंगा एक शेर के द्वारा। न मेरी रात समझे न मेरे जज्बात समझे, न मेरे रात समझे न मेरे जज्बात समझे, तुम मेरे हमसफर मेरे हमदर्द रहे फिर भी मेरा दर्द न समझे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तमाशा।